आधार अपडेट कराने लगी सैकड़ों किसानों की भीड़, ग्रामीणों ने की और मशीनों की मांग। खबर बैराड़ तहसील कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग से है, जहां पर आज सोमवार को किसान और किसान के बच्चों ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड अपडेट कराने आए ग्रामीणों ने के साथ कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते यहां पर आधार अपडेट कराने वाले लोग करीब 7 से 8 दिनों से लाइनों में अपने नंबर लगवाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को खेती बाड़ी का काम छोड़कर आधार अपडेट व संशोधन करने के लिए 8-8 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार लोगों ने बताया कि बैराड़ में पुरानी तहसील कार्यालय बिल्डिंग में सिर्फ एक ही आधार कार्ड बनाने की मशीन लगी हुई है, जिससे एक दिन में सिर्फ 25 से 30 लोगों के आधार कार्ड की बन पाते हैं और अपडेट हो पाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी 10 या 15 दिन नंबर आने का इंतज़ार करना पड़ता है। लोगों की मांग है कि नगर में अन्य ऑनलाइन दुकानों पर भी आधार कार्ड बनाने और अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उन्हें भी आधार कार्ड बनाने और अपडेट कराने की साइट उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें इस प्रकार एक मशीन के सहारे कतारों में खड़ा ना होना पड़े, जिसके नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। किसानों ने कहा कि कम से कम हमारे लिए 3-4 आधार कार्ड अपडेट कराने वाली मशीन चालू कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे भी आज अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए कतारों में खड़े हुए हैं, जो कि बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या बच्चों को भी इस तरह इंतज़ार करना पड़ेगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन और प्रशासन में कहीं किसी किसान की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला आप थाने पे कैसे आया है? सर, मैं बैंक में रुपए निकालने आया था, मेरे 375,000 रुपये, उसमें 3 लाख रुपये बैंक मैंने पहले निकाल लिए थे, वो बैंक मैंने काउंटर के अंदर रख लिया था। काउंटर के अंदर रख कर मैं कुछ बाकी के पैसे वो ले रहा था बैंक वालों से, तो इतने वो मेरा बैंक ले गया। बैग में कितने रुपये होंगे? 3 लाख। 3 लाख रुपये? तो आपको इसका पता क्या चला, किस कौन ले गया? ये निकाले बैंक, हाँ, छोटा लड़का है 10-12 साल का, वो ले गया है। उसका साथी है कोई? उसका साथी अभी तो कोई नहीं दे रहा है। तो आपने थाने पर सूचना दे दी इसकी? दे दी है। बाकी जो चोरी हुई है बैंक में क्या लापरवाही हो रही है? बैंक में एक तो कोई गार्ड नहीं है, बैंक की देख रेख नहीं है, ना बैंक में कोई देख रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अंदर काउंटर के अंदर से रुपए गए हैं इसमें, ना कि बाहर रखे थे काउंटर पर। आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो, हमारे रुपये बरामद हूँ। बस डंजल किराना स्कूल बैराज मंडी रोड के सामने जो रात को हमारी चोरी हुई थी, सुबह घूमने गए थे भैया, तो देखा तो लाइट बंद थी, तो लाइट बंद देखी तो हमने सोचा लाइट बंद क्यों है, तो देखा तो सीए पहले टूटी पड़ी हुई थी और सरिया से मतलब सबलियन से अपनी शटर टूट के उनने अंदर से दुकान में से पैसे और माल गायब किया है। उसमें 25-30 हज़ार रुपये करीब नगद थे और बाकी का सामान जो गया है उसमें कोई अंदाज नहीं है, बड़ी दुकान है अपनी। उसके बाद हम सुबह मतलब यहाँ पर आवेदन लगाने के लिए आए, तो आवेदन में सुबह इन्हें कही थी पुलिस वालों ने कि सुबह 8 बजे तक आना, तो 8 बजे तक इन्हें आवेदन लिया। बाकी के बाद इन्हें फिर उन्हें हम 2-3 बार वही 10 बार में यहाँ आया, तो फिर ये कह रहे हैं हम खानापूर्ति कर रहे हैं। उसके बाद मतलब जो है फिर उन्हें कुछ खानापूर्ति नहीं, कोई भी इधर गया उधर गया, भूल भटक के आ गए और कुछ सुनवाई। तो आज दिनांक तक कितनी चोरियाँ हो चुकी हैं? आज दिनांक तक मतलब अभी तक तो आज तो दो एक तीन चोरियाँ तो आज हो चुकी हैं, दो दिन पहले हुई हैं। तो ये बैंक में जो चोरी हुई है क्या कुछ मामला है? अब ये तो अपन कह नहीं सकते, पर ये कि सब इसमें सट्टा जुआ जो सब चल रहा है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है कहीं से, कहीं कोई चीज़ की सरेआम चल रहा है, खुला सरेआम चल रहा है, कोई चीज़ की भी नहीं है, सबकी पर्ची कट रही है, इसमें खिड़कियों में से बिछ रही है, कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, हम यही चाहते हैं कि मतलब जो इसमें बंद किया जाए, सट्टा टोटल बंद किया जाए। हम व्यापारियों को बहुत परेशानी है, व्यापारी एक मिनट के लिए दुकान नहीं छोड़ सकता, बातों करने के लिए भी मुश्किल हो रहा है।